नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मेगा कवरेज, महा कवरेज, लोकतंत्र के महापर्व की आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये मेगा कवरेज देख रहे हैं और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट भी बता रहे हैं, बूथ से लेकर के तमाम हलचल पर हमारी। ये देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें मतदान केंद्र पर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वोट डालते हुए, देखिए ये यहाँ पर अंदर बूथ पर पहुंचे। ईवीएम मशीन यहाँ पर होती है, जो बैलेट यूनिट जो होती है यहाँ, वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। जी हाँ, पहले वोटर बने हैं मदन दिलावर अपने पोलिंग बूथ पर और हाथ जोड़ते हुए विनम्र तरीके से बाहर आते हुए, उसके बाद दूसरी वोटर उनकी पत्नी बनती हुए। न्यूज 18 की टीम मौजूद है, आवाज सुनने की कोशिश करेंगे, लाइव तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वोटर्स को आने दो। दिलावर साहब पहला रिएक्शन क्या कहेंगे? बता रहा हूँ, पहले वोट वोटर्स को आने दो। हाँ, दिलावर साहब क्या रिएक्शन सर? जय श्री राम साहब। भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 जीतेगी और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से हम इस सीट को जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहला दिलावर जी, आपने मैंने देखा कि आपने जिस तरह से बात करी थी जनता के बीच में, आप खुद गए थे, क्या लग रहा है क्योंकि आज ही का वो महत्वपूर्ण दिन है जब मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं लाइनें कितनी बड़ी लाइनें हैं और आतुर हैं लोग मतदाता कि हम शीघ्र ही कमल के फूल पर वोट देने वाले हैं, इसलिए आतुर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी ओम जी बिरला साहब यहाँ सर्वाधिक वोटों से जीते, वोट कर दिया है, लोगों से वोट की अपील क्या करेंगे? लोगों से यही अपील करूंगा कि मेरी तरह आप शीघ्रता से अपने घर से निकलें और मतदान केंद्र पर आएं और अपना वोट दें। परिवार के साथ दिन की दिनचर्या क्या तय कर रखी थी? सबसे पहले मंदिर पहुंचे फिर वोट करने? मैं सबसे पहले भगवान गणेश जी के दर्शन करने गया हूं, माता जी के दर्शन करने गया हूं और फिर मतदान करने के लिए। पूरे परिवार के साथ आए? परिवार भी तैयार था पहले से मतदान? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे बहू मेरे साथ आए हैं। चुनाव प्रणाम को लेकर क्या चाहेंगे? राजस्थान में 25 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की सीट जिससे ओम जी बिरला जी लड़ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीट सर्वाधिक वोटों से जीतेगी। दिलावर साहब, हमने देखा था पहले फेज में जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा था उसको अब बढ़ाने की कोशिश है, आपके तरफ से अब क्या कोशिश? आप देख रहे हैं कि लगातार लाइन लगी हुई है 7 बजे के पहले से, यानी 6:30 बजे से लाइनें लगी हुई थी और लोग वोट देने को आतुर हैं और घरों से अब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, वो चाहते कि हमारा वोट सबसे पहले पड़े। मदन दिलावर से को आप सुन रहे थे न्यूज 18 पर। न्यूज 18 ने सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी कि मदन दिलावर पहुंचे थे वोट करने के, मंदिर पहुंचे थे और जिसके बाद में वोट करते हुए न्यूज 18 ने सबसे पहले तस्वीर दिखाई। ये पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देखिए, ये उत्साह बताने के लिए काफी है, ये लाइनें बताने के लिए काफी है जो लोगों छोटे छोटे रिएक्शन लीजिएगा अगर आपको आवाज मिल रही है महिलाओं से। पोलिंग बूथ पर ये महिलाओं का जो जुनून है वो बताने के लिए कि देखिए घर का काम, मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि घर का काम करके आए हैं या घर का काम आज बाद में। आंटी आज गोपाल की पूजा भी नहीं करी आल तो जी, लड्डू गोपाल जी की पूजा भी नहीं करी आल।